हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। ये भी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों। देखो, इसमें भी आपको एक कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला डिटरमिनेंट दिया हुआ है और सॉल्यूशन में आपको ये निकाल के लेके आना है। तो आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ को। तो कैसे हो सकता है, देखो, यदि मैं 2b और 2c को a माइनस बी माइनस सी में जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सा मुझे क्लू मिल गया कि रो 2 और रो 3 को जोड़ देना चाहिए मुझे, ठीक है। यानी कि अप्लाइंग व्हाट ऑपरेशन, अप्लाइंग रो वन शुड बिकम रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, मैंने आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि एक रो को, ये बताया था ना आपको, एक रो को आप ये कर सकते हो कि रो प्लस सम लैम्डा टाइम्स या के टाइम्स सम अदर रो, ठीक है। उसमें आप ये भी कर सकते हो के टाइम्स सम अदर रो, तो एक से ज़्यादा रो भी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रो कर रहे हो आप, दूसरी भी कर सकते हो, ठीक है, दिस इज़ परफेक्टली वैलिड। चलिए, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपने क्या किया, रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड कर दिया। तो दिस डिटर्मिनेंट विल बिकम क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या बन जाएगा, ये भी बच्चों देखो बी और 2a प्लस और माइनस ए, तो बच गया ए, और सिमिलरली माइनस सी और 2c, सी और बी तो है ही, तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी मुझे तीनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, सेकेंड रो और थर्ड रो विल रिमेन एज सच, उनमें कोई चेंज नहीं किया है मैंने, ठीक है जी। 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c एंड c माइनस a माइनस b, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप समझ में आना चाहिए इसके बाद, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा, 1 1 एंड 1, बाहर मुझे ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा उनमें से। देखो, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक बार दो बार और मिलना चाहिए तब जाके बात बनेगी ना। तो देखो, इसको पहले बाहर निकाल लेता हूँ, यानी आई विल डू द ऑपरेशन क्या, हाँ, सिंस इसको ये ऐसा ऑपरेशन नहीं तो लिखेंगे इसको टेकिंग आउट कॉमन, है ना, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट ऑफ रो 1, ठीक है जी। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे डिटरमिनेंट विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ गया, बच गया 1 और वैल्यूज 2b, सॉरी बच्चों, ये वैल्यूज बच गई, देखिए 1 2b 2c, ठीक है। यहाँ भी 1b माइनस c माइनस a, ठीक है, और ये बच गया 2c, ये भी 1 बचेगा, ये बचेगा 2b, और ये वैल्यू आएगी c माइनस a माइनस b, ठीक है बच्चों। इतना आपको मिल गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब यहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसके बाद क्या स्टेप करोगे कि आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला है, ईमानदारी सोच के बताओ, कितने बच्चों को दिखाई दे रहा है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए मुझे, बशर्ते आपने पहले ये एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम सॉल्व ना की हो। सोच के बताओ कि इसके अंदर अब क्या स्टेप करूं कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए, ठीक है। तो देखो, मैं क्या कर सकता हूं, यदि यहाँ देखो बी है और यहाँ 2b है, ठीक है, यदि फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दूं सेकंड कॉलम से तो ये बी माइनस 2b बन जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी माइनस ए और माइनस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है। सेम प्रोसेस मैं इसके लिए भी करूंगा, फर्स्ट कॉलम को उठा के थर्ड कॉलम में से माइनस कर दूंगा तो ये भी बच जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और ये 2b में से 2b माइनस हो जाएगा तो 0 बच जाएगा। यानी बेसिकली मुझे थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाएंगे। देखिए कैसे,
व्हाट आई विल डू, मैं थोड़ा सा बोर्ड को श्रिंक करता हूँ एक बार। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम आ चुके हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ये वैल्यू मुझे मिल गई थी a प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वन टू बी टू सी, वन बी माइनस सी माइनस ए टू सी, वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है जी। नाउ मैंने आपको बताया जैसे कि कॉलम टू में से कॉलम वन को और कॉलम थ्री में से भी कॉलम वन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, कॉलम टू गोज टू कॉलम टू माइनस कॉलम वन एंड कॉलम थ्री विल बिकम कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। ठीक है जी। ये ऑपरेशन करने के बाद डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए दिस विल बिकम डेल्टा विल बिकम ए सॉरी ए प्लस है ना ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। अब कॉलम वन में से कॉलम टू में से कॉलम वन को मैंने माइनस किया है तो कॉलम वन विल रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया है मैंने। ठीक है। कॉलम टू में से कॉलम वन गया तो वन में से वन गया ज़ीरो, बी माइनस सी माइनस ए में से टू बी माइनस किया तो मेरे पास बच गया माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली टू सी में से टू सी चला गया ज़ीरो बच गया, यहाँ भी आएगा ज़ीरो सेम लॉजिक में, ये भी ज़ीरो आएगा और ये बचेगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब बच्चों कॉलम टू और कॉलम थ्री में आपको दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ईजिली कॉमन आ सकता है। ठीक है। तो एक बार लिख देंगे आप यहाँ पर टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट ऑफ कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। ठीक है जी। फिर क्या बच जाएगी वैल्यू, दिस विल गिव यू डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब हो गया बच्चों, अभी है ना। और वैल्यू क्या बच गई, वन टू बी टू सी, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, ये बच जाएगा ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो 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 माइनस वन। आप इसको फर्स्ट रो के एस्पेक्ट में ओपन कर देंगे तो दिस डिटर्मिनेंट विल रिटर्न यू वन, वन इंटू वन वन, तो वैल्यू हो गई दिस जो कि आपको प्रूव करना था। ठीक है जी। हैंस प्रूव्ड। देखो बच्चों कितनी स्मार्टली आप सोच सकते हो, कितने क्रिएटिव आप हो सकते हो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने में। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी फास्ट या कितनी स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत मस्त है बच्चों। कई बार प्रैक्टिस करने से भी आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। यदि इनिशियली आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप सॉल्यूशन देखें उसका, चार पाँच दस क्वेश्चन आप देख लेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं, तो फिर एक नया क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप उन्हीं एग्जिस्टिंग ट्रिक्स में से कुछ सोच सकते हैं। ठीक है। तो ब्रेन स्टार्ट्स लर्निंग दिस वे। तो ब्रेन को आप दिखाइए कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है तो ब्रेन अगली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकाल के देगा आपको। देखिए इसमें बच्चों क्या करना है आपको, अगेन सेम टाइप की है बस डिफरेंट प्रॉब्लम है कि ये वैल्यू निकाल के लेके आनी है आउट ऑफ दिस वैल्यूज। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सोच के देखो उसमें क्या चीज़ ऐसी दिख रही है आपको कि कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो। देखो एक तो मुझे इसमें क्लू मिल रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के टर्म है। यहाँ मुझे ए स्क्वायर का टर्म तो दिख रहा है मगर इसी रो में मुझे बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो यदि मैं इसमें ए का मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दूँ, ठीक है, तो ये सारे ए स्क्वायर बन जाएंगे, यहाँ बी का कर दूँ यहाँ सी का कर दूँ। ठीक है। और उसके बाद इसमें से ए और बी और सी कॉमन निकाल लूँ। समझ आई बात, ध्यान सुनना। मैं रो वन में ए का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, रो वन विल बिकम ए टाइम्स रो वन। ठीक है। रो टू विल बिकम्स ए बी टाइम रो टू, बी टाइम्स रो टू। एंड सिमिलरली रो थ्री विल बिकम सी टाइम्स रो थ्री। एक तो ये ऑपरेशन करूँगा, यानी आपको पता है ना मैट्रिक्स में सॉरी डिटर्मिनेंट में हम यदि किसी एक पर्टिकुलर रो में या कॉलम में एक कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रखने के लिए उसी कांस्टेंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यदि मैं इसमें ए से इसमें बी से इसमें सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले ये ऑपरेशन कर लेता हूँ। इस ऑपरेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वन बाई दिस इज आई एम डूइंग जस्ट टू कीप द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड, कि मैंने यदि ए बी और सी से मल्टीप्लाई करना है रो वन और रो टू और रो थ्री में तो ए बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा सो दैट डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। देखिए चलिए तो ये वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब प्लस ए, ठीक है, ये आ जाएगी ए स्क्वायर बी, ये आ जाएगी ए स्क्वायर सी। थोड़ा सा मुश्किल है सोच पाना बच्चों इनिशियली, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे
तो आपको खुद भी समझ में आने लग जाएगा बी क्यू प्लस बी बी स्क्वायर सी। और यदि हम सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और सी क्यू प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद यदि चमकना शुरू हो गया कि यहाँ से मैं सी कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से मैं बी कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से मैं ए कॉमन निकाल लूँ, तो सारे टर्म्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के रह जाएंगे थ्रू आउट द डिटर्मिनेंट ना। एक्चुअली में यही करने के लिए मैंने ए बी और सी से मल्टीप्लाई किया था। तो अब क्या लिखूंगा मैं कि टेकिंग आउट कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम कॉलम वन, कॉलम वन में से ए निकाल लूँगा, कॉलम टू में से मैं बी बाहर निकाल लूँगा, कॉलम थ्री में से मैं सी बाहर निकाल लूँगा। तो आपको ए बी सी बाहर निकाल लिया बेसिकली आपने, तो ये ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा। ठीक है, आप लिख दोगे यहाँ पे एक बार अप्लाइंग, क्या अप्लाइंग नहीं होगा इसमें, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, या कॉमन बाहर निकाले तो लिखोगे टेकिंग आउट ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा, ए कॉलम वन में से ए बाहर निकल जाएगा, कॉलम वन टू में से बी, कॉलम थ्री में से सी, तो वैल्यू बचेगी डिटर्मिनेंट की। अब ए बी सी बाहर आ गया तो ये ए बी सी से कट जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ ए बी सी, ए बी सी कट जाएंगे आपस में और डिटर्मिनेंट बन जाएगा मेरे पास वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये वैल्यू आपको बच गई। अब यहाँ दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टर्म आ गए, और राइट साइड में देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या था, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि मैं सारी की सारी रोज और कॉलम को जोड़ दूँ, यानी कि रो वन इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री कर दूँ, क्या कर दूँ, रो वन गोज टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। ठीक है जी, तो क्या मिल जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि थ्रू आउट द रो मुझे वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको श्रिंक करके मैं लिखता हूँ एक बार, देखिए बच्चा एक बार आपको यदि प्रॉपर्टीज यूज करना आज आने लग गई ना, तो इतना इंटरेस्ट आता है इसको इन तरह के क्वेश्चन को करने में बच्चों, कि इट वुड बी अ फन फॉर यू। ठीक है, जब आपको कुछ और पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आप ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने बैठ जाया करोगे। मेरे टाइम पे ऐसा होता था, जब मैं बोर होता था तो मैं इनको सॉल्व करता था तरह तरह के डिटरमिनेंट्स निकाल के, ताकि अपने एक पजल की तरह एक लॉजिकल गेम की तरह होता था मेरे लिए। होपफुली आपको भी तो ही मज़ा आए। तो ये वैल्यू बच जाएगी बच्चों, क्या करना था आपको, रो वन के अंदर रो वन इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री करना था। तो ये वैल्यू बच जाएगी बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली यहाँ भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तीन कॉलम हो गए और बाकी की वैल्यूज सेम होगी ना, क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है ना, हमने जो भी किया है रो वन के ऊपर किया है सी स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है जी, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा मैट्रिक्स बन गया है, सॉरी डिटर्मिनेंट बन गया ज़्यादा बड़ा, कोई बात नहीं। देखिए अब इस वैल्यू में से हम क्या करेंगे, टेकिंग दिस वैल्यू कॉमन फ्रॉम रो वन। ठीक है, आप लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा बच्चों वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ऊपर सारा वन 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 आ जाएगा है ना, वन बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम को उठा के मैं सेकेंड और थर्ड में से माइनस कर दूंगा, तो वैल्यू बच जाएगी मेरे पास, क्या बच जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आप लिख देना बच्चों, अप्लाइंग सी टू इज सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री इज सी थ्री माइनस सी वन, तो ये बच जाएगा वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जाएगा जीरो वन जीरो 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 एंड वन, विच इज इक्वल टू कितना, वन, क्योंकि फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करोगे तो दिस इंटू दिस डिटर्मिनेंट विच इज वन माइनस जीरो, तो वन हो गया। तो दिस इज द वैल्यू विच यू हैव टू प्रूव। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। तो बच्चों ये पांच क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया प्रॉपर्टीज का यूज करने के लिए, होपफुली आपको एंजॉय किया होगा आप लोगों ने और समझ में भी आया होगा।
ठीक है, सो दैट यू हैव टू गेट अ स्टार्ट टू यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डिटर्मिनेंट के लिए बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करना आना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रूव होगा।